नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म युद्ध महाभारत में कुरुक्षेत्र की रणभूमि में हुआ था। उस समय के दौरान भगवान कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को कुछ बातें सुनाई थी जिसे हम गीता सार भी कहते हैं। लगभग 5000 साल से भी ज्यादा का वक्त महाभारत के युद्ध को हो चुका है, लेकिन आज भी लोग भगवद गीता के सार को इतना ही महत्व देते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो और व्यर्थ में ही क्यों डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? क्योंकि आत्मा ना कभी पैदा होती है ना मरती है। जो हुआ है अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा मत करो और भविष्य की चिंता भी मत करो। जो वर्तमान में चल रहा है उसके बारे में सोचो। तुम्हारा क्या गया, क्यों तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? तुम ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाओ। जो कुछ लिया था वह यहीं से लिया था, जो दिया यहीं पर दिया। जो कुछ भी तुम्हें मिला वह भगवान से मिला, जो तुमने दिया वह भी भगवान को ही दिया। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो, बस यही तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो एक नया जीवन है। एक क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हैं, दूसरे क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया, इन सब चीजों को अपने मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। ना यह शरीर तुम्हारा है, ना तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, इन सब चीजों से मिलकर शरीर बना है और अंत में इन सब में ही मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। तुम अपने आप को भगवान के सहारे छोड़ दो, तुम्हारे लिए यही सबसे उत्तम उपाय है। जो उनके सहारे जाता है वह भय चिंता शोक से दूर और मुक्त हो जाता है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पित करता चल। ऐसा करने से तू सदा मुक्ति का आनंद अनुभव करेगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।